लालच बहुत ही बुरी बला है, ये तो सब लोगों ने सुनी है, लेकिन आज जीता जागता इसका उदाहरण भी देख लीजिए। एक महिला होती है जिसको अपने पति से झगड़ा हो जाता है। झगड़ा हो जाने के बाद वो अपने मायके आती है और अपने माँ बाप से कहती है कि मुझे मेरे पति से झगड़ा हो गया है, मैं अब यहीं रह के अपना एक बिजनेस करना चाहती हूँ और पहले अपने पैरों पर खड़े होना चाहती हूँ। इसके लिए उस महिला ने कुछ पैसे भी जमा किए थे और इस तरह वो बहुत खुश थी, कुछ करके दिखाना चाहती थी कि अचानक खुदा न खास्ता उसी दिन उसे एक फोन आता है और उधर से कहा जाता है कि मैडम आप 25 लाख रुपए का आपको लॉटरी लग गया है, आप पैसे जीत चुके हैं। दोस्तों ऐसा मैसेज और ऐसा फोन हम लोगों के पास भी आता है और आप लोगों के पास भी आया होगा, कई ऐसे लोगों के पास आता है। ऐसे ही इसी तरह इस महिला के पास भी आता है। चूंकि ये महिला बिजनेस करना चाहती है, इसे पैसों की और जरूरत होती है, ये लालच में फंस जाती है और उस मैसेज पे क्लिक कर देती है। जैसे वो क्लिक करती है तो उधर से फोन आता है और कहता है कि मैडम मुबारक हो, आपको 25 लाख की लॉटरी लग गई है। जब ये महिला सुनती है तो खुश हो जाती है और वो व्यक्ति से बात करता है कि अच्छा ठीक है, अगर लॉटरी लग गया है तो कब मुझे पैसे मिलेंगे। उस पर उधर से बताया जाता है कि मैडम आपको पहले 20,000 रुपये टैक्स के रूप में चुकाया जाएगा, जब आप ये रुपये दे देंगे तो आपको सारे के सारे पैसे मिल जाएंगे। क्योंकि उस महिला के पास पैसे तो जमा थे ही, उसने 20,000 रुपये वो जाके उसके बैंक अकाउंट में जो खाता नंबर देता है उसमें जमा कर देती है। लेकिन उसके एक दो दिन बाद फिर से कॉल आती है कि मैडम आपको कुछ और पैसे जमा करने होंगे। इस तरह धीरे धीरे करके वो अपना वो करीब जब उसके 7 लाख से 8 लाख रुपए वो उसके बैंक अकाउंट में जमा करा देती है, जब अपना ज्वेलरी होता है वो भी बेच देती है, माँ बाप के घर में जो सोने के गहने होते हैं वो भी बेच देती है, और आस पड़ोस से भी अपने दोस्तों से भी कर्जा लेकर के जब 7 से 8 लाख रुपए वो दे देती है तो उसको यकीन होता है, तब उसका आँख खुलता है कि मेरे पैसे तो सारे चले गए, अब मैं क्या करूँगी। वो बार बार उस व्यक्ति से को फोन करती है, रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है, कहती है कि देखो भैया मुझे मैं पहले ही पति से मेरा झगड़ा हो गया है, मैं मायके में रहती हूँ और मैं बिजनेस करना चाहती थी, कुछ पैसे जमा करके रखी थी, मैं आपके कहने से सारे पैसे दे चुकी हूँ, मेरे जीवन बर्बाद हो गया है, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है, आप मेरे पैसे वापस कर दो। जब ऐसे गिड़गिड़ा के रोते हुए बात करती है तो इस पर उधर से फोन आता है, कहता है कि ठीक है मैडम हम आपके पूरे पैसे दे देंगे, लेकिन इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। अब वो पूछती है कि क्या काम करना पड़ेगा, तो उधर से वो फोन करके कहता है कि आपको बाथरूम में जाना है और अपना नहाते हुए वीडियो बना के हमें भेजना है। वो महिला भी उनके बातों में आ जाती है और वो बाथरूम में जाती है, नहाते हुए अपना न्यूड वीडियो उसको भेज देती है। अब तक तो उसने उसका पैसा ही गया था, लेकिन अब पैसा के साथ साथ उसकी इज्जत भी चली गई थी उसके हाथों से। तो दोस्तों इस तरह से लालच कभी नहीं करना चाहिए, और पैसा भी चला गया, गहने भी गए, और साथ साथ उसने अपना एक ऐसा वीडियो उसके हाथों में दे दिया जिसकी वजह से उसकी इज्जत भी, उसका लगाम ही अपनी जिंदगी को उसके हाथों में दे दिया और उसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गया। तो दोस्तों आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो भी लालच के ऊपर ही है। ये कहानी है पश्चिम बंगाल के एक जिला है हुगली, वहां पर एक जगह का नाम है जिसका नाम है चीनपुरा, चीनसुरा। उस जगह में तारीख होती है 23 फरवरी 2021। उस दिन एक महिला पुलिस थाने में जाती है और जो कहानी पुलिस को बताती है उस पर पुलिस को यकीन नहीं होता है। पुलिस देखता है कि महिला तो ठीक ठाक है, अच्छे लग रही है, अच्छे घराने की लग रही है, लेकिन ये जो बातें बता रही है ये ठीक नहीं हो सकता, ये कुछ गलत ही बता रही है, ये झूठ बोल रही है। लेकिन जब वो महिला कहती है कि मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, जिसने मेरे साथ ये काम किया है, गलत काम किया है, उसका फोन नंबर मेरे पास है, एक काम करिए आप ये फोन नंबर लीजिए और उससे बात करिए। जब वो पुलिस वाला बात करता है उस नंबर पे और जब सारे मामले की छानबीन करता है तो पुलिस वाले के भी होश उड़ जाते हैं। तो दोस्तों कहानी कुछ इस प्रकार होती है कि एक बार एक अमीर महिला वो अपने घर में अपने बच्चे का जन्मदिन मना रही होती है। अब जन्मदिन में सबसे पहला डिमांड होता है केक का, तो उसने भी गूगल पर देखकर जो सबसे बढ़िया केक होता है गूगल पे देख करके केक वाले को बोलती है कि ऐसा ही केक बना के हमें दो, और किसी को कानो कान खबर नहीं होता घर में कि वो कौन सा स्पेशल केक मंगाने वाली है।
जब वो केक वाला केक लेकर घर में आता है और जैसे ही दरवाजा खोलता है, खुलती है वो मैडम केक लेने के लिए, डोरबेल बजता है और दरवाजा खोल के खुलती है केक लेने के लिए, तो केक वाला जो डिलीवरी बॉय था जब उस महिला को देखता है, चूंकि ये महिला बहुत सुंदर होती है, वो पहले ही नजर में उस महिला पर फिदा हो जाता है। और जब महिला केक ले लेती है हाथ से, तब वो व्यक्ति उस महिला से कहती है कि मैडम आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप, आपको अगर ये केक अच्छा लगे तो आपको एक फोन आएगा मेरी कंपनी से फीडबैक के लिए, तो आपको जैसा केक लगेगा तो आप अच्छी तरह से, अगर आप बोलेंगे कि अच्छा से मुझे दे गया है, बढ़िया केक है, सही टाइम पे मुझे मिल गया है, तो मुझे कंपनी की तरफ से प्रमोशन मिलेगा और जिससे मुझे फायदा होगा, बस आपको अपने बारे में बताना है कि आपको केक कैसा लगा। वो मैडम कहती है कि ठीक है। बस इतना बात होने के बाद वो डिलीवरी बॉय वहाँ से चला जाता है और ये मैडम भी बड़े धूमधाम से जन्मदिन मनाती है। अब 6-7 दिन के बाद उसको एक फोन आता है, फोन पे ये पूछा जाता है कि केक के बारे में पूछा जाता है, सारी जानकारी वो देती है कि केक बहुत अच्छा है, फीडबैक अच्छा देती है, लेकिन वो फोन वाला जो उधर से फोन कर रहा होता है वो कहता है कि आपको ऐसे नहीं, वीडियो कॉल पे ये सारी बातें बतानी है, क्योंकि महिला को कुछ पता नहीं था, वो अनजान थी कि उसके साथ क्या होने वाला है। वो महिला कहती है ठीक है, फिर उधर से वीडियो कॉल आता है, वो वीडियो कॉल पर सारी बातें, वो जितने भी फीडबैक होता है वो सारी अच्छे तरीके से दे देती है और वो फोन कट कर देती है। अब 2-3 दिन बीतने के बाद जब वो अपने घर के काम काज कर रही थी तो अचानक उसके फोन की घंटी बजती है। अब फोन की घंटी बजती है तो फोन उठाता है, उठाती है और फोन उठाती है तो उधर से कहता है कि मैडम आपको एक वीडियो भेजा गया है, आप उस वीडियो को देखिए। जब वो मैडम वीडियो को देखती है तो उसके होश फाकता हो जाता है, उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जो वीडियो उधर से उसको भेजा गया था उसमें उसका बिल्कुल नंगी वीडियो था, बिल्कुल साफ दिख रहा था कि वही औरत है। और वो वीडियो देख के, वो अपना वीडियो ऐसे न्यूड वीडियो देख के वो बहुत परेशान हो जाती है, हैरान हो जाती है, बहुत दुखी हो जाती है और वो सोचती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं था। वो बहुत परेशान हो जाती है। फिर एक दिन, 1-2 दिन बीतती है, ये बातें किसी से वो बताती भी नहीं है, बताती भी किस से, क्योंकि ये बातें ही कुछ ऐसी थी, वो चुप हो जाती है, किसी को कुछ नहीं बताती है। ऐसे ही 2-3 दिन फिर से बीत जाते हैं, गुजर जाते हैं। उसके बाद उस जो डिलीवरी बॉय होता है उसका फिर फोन आता है 2-3 दिन बाद और फिर वो कहता है कि मैडम मेरे पास आपका एक वीडियो आया है, देखिए ये बेहद आपत्तिजनक है, अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगी, जैसा मैं कहूँगा वैसा नहीं करेंगी, तो मैं ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, सोशल मीडिया पे अपलोड कर दूंगा, जिससे आपकी बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी। ये महिला पहले से तो परेशान थी ही, अब और ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब बोले तो बोले किसको। फिर एक दिन क्या करता है, फिर फोन उधर से आता है और कहता है वो कि मैडम जब आप घर में अकेली हों तो आप हमें बताना, हम आप लोगों से मिलने आएंगे। तो महिला बहुत रोती है कि देखो मेरा इज्जत का सवाल है, आप लोग, तुम लोग कुछ ऐसा मत करो जिससे मेरी बदनामी होगी, मैं बहुत पहले से परेशान हूँ, अब मैं और ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। तो वो व्यक्ति कहता है उधर से कि ठीक है, जब आपके घर में कोई नहीं रहेगा तो आप हमें बुलाना, हम इस मसले का हल करेंगे। फिर समय पाकर जब उसके घर में कोई नहीं होता है तो एक दिन ये महिला उसको फ़ोन करती है और फ़ोन करके कहती है कि मेरे घर में कोई नहीं है, आज तुम लोग आ जाओ। जब ये लड़का जिसका नाम विशाल होता है, डिलीवरी बॉय, वो अपने दोस्त को साथ में लेकर आता है और कहता है कि फ़ोन मैं नहीं कर रहा था, फ़ोन ये मेरा दोस्त कर रहा था, लेकिन अब करना क्या है। वो औरत कहती है कि जल्दी से जल्दी तुम ये वीडियो डिलीट कर दो और मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे इस परेशानी से बचा लो। इस पर वो दोनों कहते हैं कि हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन एक काम करना पड़ेगा आपको, आपको हम दोनों के साथ संबंध बनाना पड़ेगा, उसके बाद हम इस वीडियो को डिलीट कर देंगे। अब वो महिला और परेशान हो जाती है, लेकिन वो किसी तरह इसकी, इन दोनों की बातों में आ जाती है और बारी बारी से फिर दोनों इसके साथ दुष्कर्म करते हैं और ये करते हुए ये दोनों उसका वीडियो भी बना लेते हैं। ऐसा करके वो बोलते हैं, बोलता है उस मैडम को कि मैडम अब आप चिंता मत करिए, आप ये वीडियो मैं डिलीट कर दूंगा। उस औरत को ये पता नहीं था कि वो तो फेक वीडियो था, वो गलत तरीके से वीडियो बनाया गया था, क्योंकि शरीर किसी और का था और वो जो वीडियो कॉल पे फीडबैक दी थी ना एक मैडम,
तो उसका चेहरा लगा दिया गया था उससे, वो एक नकली वीडियो था। लेकिन उस नकली वीडियो के साथ साथ अब आज का जो वीडियो था, बिल्कुल वो जब दोनों लड़का इसके साथ गलत कर रहे थे, उसका वीडियो वो बना चुका था। अब असली वीडियो भी उसके हाथ लग चुका था। अब बार बार ये दोनों उस महिला को परेशान करने लगे, कभी पैसों की डिमांड करता, कभी ज्वेलरी की डिमांड करता, कभी उसके शरीर की डिमांड करता। ये सिलसिला काफी दिन तक चलता रहा। जब ये महिला बहुत परेशान हो जाती है, इसको कोई रास्ता नजर नहीं आता है, फिर ये महिला पुलिस थाने जाती है और पुलिस थाने जाके ये जो सारी कहानी है वो पुलिस को बताती है। जब पुलिस ये सब कहानी सुनता है तो उसको यकीन नहीं होता है, वो सोचता है पुलिस वाले कि ये झूठ बोल रही है। लेकिन जब ये महिला पुलिस वाले को नंबर देती है कि ये नंबर है, इस नंबर पे आप फोन करो और फिर आपको सारी बातें पता चल जाएगा। जब वो पुलिस इस नंबर के बारे में पता करते हैं और उसके लोकेशन के बारे में पता करते हैं, तो जहां पर इस नंबर का लोकेशन आ रहा था उस लोकेशन पर पुलिस पहुंचती है। आज जब उस घर के अंदर जाते हैं तो एक वो घर के अंदर जो चीज चल रहा होता है वो देख के पुलिस वाले के भी आंखें फटी की फटी रह जाता है। दरअसल होता यह है कि उस घर में वही व्यक्ति, वो डिलीवरी बॉय, किसी दूसरी महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में था। अब पुलिस वाले को समझ नहीं आ रहा था कि ये एक महिला तो उधर शिकायत कर रही है और दूसरी महिला के साथ ही ऐसा कर रहा है, आखिर माजरा क्या है। अब इस सब की जानकारी के लिए वो पुलिस क्या करते हैं कि उस व्यक्ति को, विशाल को, पुलिस थाने लेकर आते हैं और जब इससे पूछताछ करते हैं और उस औरत को भी बुलाते हैं, विशाल को उस औरत को आमने सामने बिठाते हैं और दोनों से जब पूछताछ करते हैं तो वो लड़का ही उल्टे ही इस औरत पे, इस मैडम पे ही इल्जाम लगाती है कि सर ये मैडम ही गलत है, जब इनके घर में कोई नहीं होता है तो ये मैडम ही हमें फोन करके बुलाती है और हमसे गलत काम करवाती है, ये मैडम बिल्कुल झूठ बोल रही है। पुलिस को लगता है कि अब माजरा क्या है। तो पुलिस वाले करते क्या है कि जो उस लड़के का, विशाल का जो मोबाइल होता है, वो मोबाइल उससे लेते हैं और उस मोबाइल से जानकारियां निकालने की कोशिश करते हैं। जब उसका मोबाइल खोलते हैं तो उसमें एक दो नहीं 31 ऐसे वीडियो मिला पुलिस को जिसमें ये लड़का डिलीवरी बॉय बन के जाता था किसी के घर पे और फीडबैक के नाम पर ऐसे ही वीडियो कॉल पे उससे फीडबैक लेता था, फिर उसका न्यूड वीडियो बनाकर उस औरत को ब्लैकमेल करता था। और एक वीडियो तो ऐसे भी मिला उसके फोन में कि गन गन पॉइंट पर, गनपट्टी पर गन सटाकर एक औरत के साथ रेप किया जा रहा था। अब पुलिस को इस महिला के बात पर बिल्कुल यकीन हो गया कि ये महिला जो कह रही है वो बिल्कुल सच कह रही है। इस तरह और भी उसके फोन से जानकारी निकाली गई और जानकारी निकालते निकालते पुलिस के भी होश उड़ गए, क्योंकि एक दो नहीं करीब पूरे 65 से 66 महिलाओं के साथ ये लोग ऐसा कर चुके थे, सबको अपने जाल में फंसाकर उसके साथ इसी तरह का व्यवहार किए थे। अब पुलिस उसके दोस्त को भी, जहां उसका दोस्त होता है उसको भी उठा लेते हैं उसके घर पे से और दोनों को थाने में बुला करके जेल में बंद कर देते हैं और इस पर तमाम तरह के धाराएं लगाते हैं। लेकिन जो ये पूछताछ में दोनों बातें बताते हैं वो वाकई दोस्तों हैरान करने वाली है और हम लोगों को सीख देने वाली है। जब इन दोनों लड़कों से पुलिस वाले बातचीत करते हैं कि तुम किस तरह से औरतों को फंसाते थे, तो दोनों लड़का कहता है कि हम लोग जब डिलीवरी का सामान लेके किसी महिला के घर पे जाते थे तो सबसे पहले देखते थे कि ये महिला लालची है कि नहीं। जो महिला लालची होती थी, देखने में बहुत सुंदर होती थी, अमीर घराने की होती थी, हम उसी को फंसाते थे। क्योंकि वो ये कहता था जब कोई भी सामान लेके किसी महिला के घर पे जाता था तो ये कहता था कि मैडम ये जो सामान मिला है, अभी जितने प्राइस का ये सामान है, अभी तो आपको पहला डिलीवरी में इतने ही पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन जब आप अगली बार कोई सामान मंगाते हैं तो उस पर आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि जो चीज़ आपको अभी 1,000 मिलेगा वो आने वाले टाइम में आपको सिर्फ 500 रुपये मिलेगा। इस झांसे में आकर एक दो ने पूरे 65 महिला उसके झांसे में आ जाती है और फीडबैक के नाम पर उससे ये वीडियो बनवाते हैं, फिर उसका न्यूड वीडियो बना के उसके पास भेज के उसको ब्लैकमेल करते हैं। दोस्तों हमारे समाज में ये बहुत ही गलत हो रहा है। आजकल ठगने का, लूटने का बहुत ज़्यादा तौर तरीका बदल गया है। साइबर क्राइम इस वक्त पूरे चरम पर है, इसीलिए आप लोग सावधान रहें। सिर्फ दिल्ली ही नहीं,
बंगाल ही नहीं, दिल्ली, बिहार, यूपी, यानी कि हमारे देश में जितने भी राज्य हैं सभी जगह पे ऐसे घटनाएं हो रही है। जब पुलिस वाले जो वो 65 महिला थी उसको उसके पास जाते हैं, उससे पूछताछ करने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले तो कोई महिला इसके बारे में बताना ही नहीं चाहती, और जो कोई महिला बताना भी चाहती है तो उसकी कहानी भी बिल्कुल इसी के जैसी होती है। दोस्तों ये एक बहुत ही गलत बात है। आप सोचिए, अगर ये दोनों लड़के, डिलीवरी बॉय विशाल और उसका दोस्त मिलके अगर उस पहली महिला को ही अपने जाल में जब फंसाया था, अगर वो पहली महिला ही पुलिस में जाकर ये सारी बातें बताती तो ये 65 महिलाओं की जिंदगी बर्बाद नहीं होती। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर समाज में कहीं भी ऐसी घटना आप लोग सुने या आपके साथ हो तो फौरन आप पुलिस का हेल्प लीजिए। पुलिस आपको इसमें बहुत मदद करेगी, पुलिस आपके सहायता के लिए ही है। तो आप तुरंत जाएं, इन चीजों के बारे में बताएं। अगर वो पहली महिलाएं इस सारी बातें पुलिस को बताई होती तो इन सारी महिलाओं के साथ जो 65 महिलाओं की जिंदगी बर्बाद हुई है वो नहीं हुआ होता। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आप लोगों को ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और हाँ, आप लोग कहाँ से हैं और कहाँ से रह रहे हैं और कहाँ से हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो भी बताइएगा, और अपना नाम कमेंट में जरूर लिखिएगा। दोस्तों आपका कमेंट पढ़ के हमें हौसला मिलता है हमें आगे की कहानी बनाने के लिए और आप लोगों को अच्छी अच्छी कहानी सुनाने के लिए, ताकि आप लोग सचेत रहे। ये कहानी सुनाने का मतलब किसी भी दिल को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग आपराधिक मानसिकता वाले लोग को समझें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें, यही हमारा मकसद था। तो ये थी आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, जाते जाते आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं कल दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।